चेवी टेस्ट से रिलेटेड आपने सवाल किया है कि पीसीआर टेस्ट कराया है, फोर्थ जनरेशन टेस्ट कराया है एंड एंटीबॉडी टेस्ट कराया है, सब नॉन रिएक्टिव आए हैं, नेगेटिव आए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अगर इतने टेस्ट कराने के बाद भी आप नॉन रिएक्टिव आए हैं तो ये जो सिम्टम दिख रहे हैं ये आपकी टेंशन की वजह से ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। बेसिकली जब आपको डर और भय ज़्यादा हो जाता है मन में, तो फिर पेट गड़बड़ रहना, डाइजेशन का स्ट्रांग ना रहना, बार बार यूरिन के या पॉटी के लिए जाना, या फिर घबराहट रहना, रात में नींद नहीं आना, इस तरीके की बहुत सारी टेंशन जनरेट हो जाती हैं। और कुछ लोग अपना बताते हैं कि गला भी सूख रहा है हमारा, वाइट टंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे सिम्टम कोई एचआईवी के नहीं है, ये सिर्फ टेंशन के सारे सिम्टम है जो टेंशन की वजह से आपको महसूस हो रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि आपकी सबसे पहले तो टेंशन खत्म हो, क्योंकि एचआईवी से तो प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट हुई है, टेंशन से प्रॉब्लम जरूर स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले तो एक सही जानकारी रखने की जरूरत है कि अगर आपको इतने टेस्ट कराने के बाद आपका टेस्ट नॉन रिएक्टिव आ रहा है, दैट मींस कि आप सेफ हैं। इसके अलग अलग विंडो पीरियड्स होते हैं पीसीआर का, मैंने आपको बताया था कि 45 डेज के बाद अगर आप कराते हैं तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, और अगर आपने फोर्थ जनरेशन टेस्ट कराया है तो उसका भी आप ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास टेस्ट उसको कराइए जिससे कि एक एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिले, और उसके बाद अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है या नॉन रिएक्टिव आ रही है तो समझ लीजिए आप सेफ जोन में हैं। दूसरा, अगर एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में आप बात करते हैं तो वो ये है कि 3 महीने बहुत ज़्यादा रिस्क बिहेवियर, आपके मल्टीपल पार्टनर है तो फिर 6 महीने बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा रिस्क बिहेवियर है, मल्टीपल पार्टनर से मिलते हैं आप खुद बताते हैं, तो फिर वो 9 महीने के क्राइटेरिया में आपको रखा जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होती जब आप खुद अपनी हिस्ट्री को बताते हैं, उसके हिसाब से ये फिर एसेस किया जाता है कि आपका विंडो पीरियड कितने महीने का हो सकता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, अगर किसी का नॉर्मल रिस्क बिहेवियर होता है तो 3 महीने, और उससे ज़्यादा है तो 6 महीने, और फिर लास्ट में बहुत ज्यादा आपका रिस्क बिहेवियर है तो फिर 9 महीने रखा जाता है। लेकिन आज के समय में जो नेको की गाइडलाइन है वो यही कहती है कि 3 महीने में अगर आप नेगेटिव आते हैं दैट मींस यू आर नेगेटिव। फिर भी बहुत सारे लोग सेफ्टी के अकॉर्डिंग 6 महीने पे भी अपना एक रिपीट टेस्ट कराते हैं, और अच्छी बात भी है। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमने 1 साल के बाद टेस्ट कराया, हम नेगेटिव आ रहे हैं तो क्या हम पॉजिटिव हो सकते हैं? तो भाई नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी गाइडलाइन है वो 3 महीने 6 महीने 9 महीने तक की ही है, उसके बाद की नहीं है कि उसके बाद आप पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि हमने सुना है कि उसके 3 साल के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं, 4 साल के बाद पॉजिटिव आया है, तो वो लोग वही होते हैं जिन्होंने एक्सपोजर के बाद कभी अपना टेस्ट ही नहीं कराया। तो वही होगा कि वो हो सकता है 2 साल के बाद टेस्ट कराया, और हो सकता है उस कॉन्टैक्ट में वो कभी पॉजिटिव हो गए हो तो 2 साल बाद वो पॉजिटिव आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी का कॉन्टैक्ट हुआ और वो नेगेटिव रहा उस समय भी, तो 2 साल के बाद जब वो अपने टेस्ट कराएगा तो नेगेटिव ही तो आएगा। तो ये कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग लोगों का ये भ्रम रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं 3 साल के बाद 5 साल के बाद हम पॉजिटिव हो जाएंगे, लोग ऐसा कहते हैं। तो लोग जो कहते हैं उसकी कंडीशन ये है कि जो लोग अपना कभी टेस्ट नहीं कराते तो वो आगे चल के कभी पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि वो उस समय ही पॉजिटिव हो गए होंगे। अब मान लीजिए आपने 1 साल के बाद टेस्ट कराया उसमें आप नेगेटिव आए, आप 2 साल के बाद टेस्ट करा रहे हैं उसमें नेगेटिव आ रहे हैं, तो दैट मींस कि अब आप नेगेटिव हैं, अब आपको और टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप आगे भी नेगेटिव रहेंगे, अपने आप पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे जब तक आपका किसी संक्रमित व्यक्ति से कॉन्टैक्ट नहीं होता है तब तक। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन है टेस्ट के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, पीसीआर टेस्ट के बारे में, या फिर फोर्थ जनरेशन टेस्ट के बारे में, या एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में, उसकी सारी डिटेल मैंने इन सारे वीडियोस में दी है। इसकी पूरी लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इन वीडियोस को देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं जिससे कि आपके डाउट्स सबसे पहले खत्म हो, क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत सारी टेंशन दिमाग में है, और फिर जो नॉर्मल लाइफ है वो खराब हो रही है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी स्टडी में ध्यान दें, जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान दें, और अगर आपका रिजल्ट नॉन रिएक्टिव आ रहा है तो समझ लीजिए कि अब आप नॉन रिएक्टिव ही है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर लेने की जरूरत है जो कि इन वीडियोस में ऑलरेडी मैंने दिए। तो जो आपको सिम्टम्स अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं वो आपकी घबराहट और टेंशन की वजह से है, लेकिन जब आपका रिजल्ट नॉन रिएक्टिव है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एचआईवी के सिम्टम्स है। एचआईवी का पता सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट से चलता है, जो कि आजकल हर जगह अवेलेबल है, आप इसे बाहर भी करा सकते हैं किसी भी लैब में, और गवर्नमेंट सेटअप में आईसीटीसी में जाकर भी इसे करा सकते हैं जहां पर ये गोपनीय टेस्ट रखे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो जरूर मुझे लिखें, और बहुत जरूरी अगर बात करना तो आप मुझे कॉल बी4 पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेटवर्क के साथ।